सबसे बड़ी खबर देखने से पहले मैं बता दूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार अग्रवाल HMTB लाइव के लिए। मित्रों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत से शहरों के नाम बदले और उसके ऊपर एक तथ्यात्मक सत्य भी बताया कि उसका बदलने का जो औचित्य है वो क्या है। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे बीच में है, धीरज गुप्ता जी। धीरज गुप्ता जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार को एक आवेदन किया है जिसमें चर्चा की गई है गाजीपुर। बिल्कुल गाजीपुर, जी सत्य सुना आपने, गाजीपुर। गाजीपुर जो नाम है वो अंग्रेजों के ज़माने से पहले का है, इसको बदला जाए क्योंकि इस देश में अब गाजी की ज़रूरत नहीं है। आइए बात करते हैं धीरज गुप्ता जी से। गुप्ता जी, आपने जो आवेदन किया है, एक बार ज़रा हमारे कैमरा को दिखाइए और बताइए कि आपका जो आवेदन है वो क्यों स्वीकार किया जाए, क्यों माना जाए, उत्तर प्रदेश सरकार उस पर क्यों विचार करे। सबसे पहले ये देखिए, आप आवेदन हैं, इस आवेदन को आपने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को प्रेषित किया है। कौन सी तारीख को किया है? 1/9/2020 को किया है। हालांकि उसके बाद में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, वो हम जानना चाहेंगे। अभी तक इनसे कोई संपर्क नहीं किया है। हम बात करते हैं धीरज जी से। धीरज जी, आपका स्वागत है HMTV लाइव में। आप हमें बताइए, जो आपने जो मांग की है उस मांग का तथ्य क्या है और औचित्य क्या है? मैं ये मान के चलता हूँ किसी भूमिखंड का नाम जो है वहाँ की पौराणिक, राष्ट्रीय या स्वतंत्रता आंदोलन के महत्व से जुड़ा होना चाहिए। और किसी भूमिखंड का नाम अगर ले कोई कहीं दूरस्थ स्थान से, जैसे केरला से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, तो उसको एक आभास हो कि अच्छा, वह जगह इस आदमी से या इस व्यक्ति से या इस घटना से संबंधित है। तो मैं जब उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर ये चीज़ देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे एक आभास हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक के सिपा सालार जो कि सैयद मसूद अल हुसैनी जी थे, उन्होंने यहाँ के राजा मंधाता को, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता को न मान के स्वतंत्र राज्य चला रहे थे, जो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो आए, उनको उखाड़ फेंका और उनकी मृत्यु हो गई। और उसी जगह पे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद वो गाजीपुर के बगल में गौसपुर में अपना मुख्यालय बनाए और बाद में 1930 में उसका गाजीपुर नाम रख दिया। तो मेरे समझ से ये लगता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र है और उस समय लोकतंत्र, भारत लोकतंत्र की एक्चुअली जननी भारत है, उसके बावजूद भी उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी सन 14वीं शताब्दी में, जिसका जो मन किया अपने नाम दंभ के लिए, अपने नाम को स्थापित करने के लिए किसी भी चीज़ को अलोकतांत्रिक तौर से उसको प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद जो है अपने ढंग से उसका नामकरण किया, अपने ढंग से वहाँ पे व्यवस्थाएँ की जो जनलोकप्रिय थी कि नहीं थी। तो मैं ये सोचा कि क्यों ना मैं राज्य सरकार से ये याचना करूँ कि आज के दौर में जबकि हर चीज़ का एक लोकतांत्रिक महत्व है, तो सरकार भी इस पर पुनः विचार करे और गाजीपुर के इतिहास में और उस धरती पर जो भी एक लोकप्रिय नाम, घटना या वहाँ का जो एक लोकतंत्र है उसके ऊपर उसका नाम रखा जाए, ताकि हम गाजीपुर की सीमा से जब भी बाहर जाएं और अपने ज़िले का नाम लें तो गाजीपुर का नाम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को देश भर में उसका मतलब पता होना चाहिए। और इसी आशय को लेते हुए मैंने गाजीपुर के लिए दो चार नाम भी हमने सरकार को सुझाए हैं, इस शर्त के साथ कि ये मेरा अंतिम नाम नहीं है। सरकार खुद सक्षम है कि वो और भी अच्छा नाम क्या ले सकती है, वहाँ की जनता से राय लेके या जो है अपना स्वतः संज्ञान लेके या मेरे द्वारा जो विकल्प दिए गए हैं उससे, तो उसमें 3-4 नाम भी मैंने दिए हैं। बताइए वो नाम क्या आपने जो सरकार को सुझाए हैं, वो नामों के बारे में जरा चर्चा कीजिए। उनमें वैसे तो गाजीपुर को वीरों की धरती कहा जाता है, और क्योंकि और वेंटी सॉन्ग ने इसको चांचू का नाम दिया था अपनी बुक में, मतलब चांचू का मतलब होता है कि युद्ध भूमि का देश।
तो अब सोचिए कि एक भूमिखंड जो इतना इतिहास में प्रसिद्ध है, जिसको वीरों की धरती कहा जाता है, और उसको वेन टी सॉन्ग जो है चांचू नाम देता है कि मतलब युद्ध भूमि का क्षेत्र, और वहाँ पे आपने गहमर का नाम सुना होगा जो कि एशिया का सबसे बड़ा गांव है जो गाजीपुर से संबंध रखता है, और जहाँ तक सुना जाता है कि उसके गाँव के एक एक घर में भारतीय सेना में काम करने वाले सिपाही हैं, और मुझे यहाँ तक भी जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ पे महीने में CSD कैंटीन का डिपो आता है और वहाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए व्यवस्था करता है कि वो अपने घर में सामान पाएँ। तो ऐसे वीरों की धरती में मैं तो दो चार नाम लूँगा तो बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैंने भारतीय उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट और साक्ष्यों को खोल के देखना चाहा, तो उसमें 3-4 नाम मुझे लगे जो कि जिनका संबंध गाजीपुर से तो है, लेकिन वो बधे हुए नहीं थे गाजीपुर की सीमाओं से, उनको राष्ट्र और विदेश भी जानते हैं। तो मैं उनमें से एक तो नाम लेना चाहूँगा महर्षि जमदग्नि का। महर्षि जमदग्नि के बारे में मैं समझता हूँ कि न केवल हिंदू, न केवल मुस्लिम, न केवल बौद्धिस्ट, बल्कि पूरा दुनिया जो भी जरा सा भी रुचि अगर हिंदू सनातन धर्म में रखता है उसको पता है कि महर्षि जमदग्नि परशुराम जी के पिताजी थे। उनके पिताजी राजा गाधी थे, जो कि उनका भी कर्मभूमि गाजीपुर थी। तो वो यहाँ पे उनकी कर्मभूमि थी, उनका वहाँ पे आश्रम था, और उसके साथ साथ जो है उनका जातक कथाओं में भी नाम है। तो अगर हम जमदग्नि के नाम पे रखते हैं, अगर हम कोरिया में नाम लेते हैं गाजीपुर का कि जमदग्निपुर या जमदग्निगंज, तो कोरिया वालों को भी पता होगा क्योंकि वो भी जातक कथा में पढ़े हैं कि जमदग्नि तो भाई वो भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी थे और उनके पिता वो थे। तो एक ऐतिहासिक और पौराणिक नाम दिया जा सकता है। इसी तरह से मैं उस शख्सियत का नाम लेना चाहता हूँ जिसको भारत में बच्चा बच्चा जो भी स्कूलिंग शुरू कर दिया है जानता है, शहीद मंगल पांडे जी का। अब सोचिए कि हम आजकल अपने कार्यालयों में या अपने समाज में या अपने RWA में या गाँव में हम छोटी छोटी बातों के लिए अपना मुँह नहीं खोल पाते हैं क्योंकि हमको लगता है सामने वाला दबा देगा, लेकिन सोचिए उस शख्स के बारे में कितना कितनी बड़ी छाती थी उसकी, कितना बड़ा उसके पास था कि 70% दुनिया पर राज करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उसने उन्हीं का सिपाही होकर मोर्चा खोल दिया था। ऐसा मंगल पांडे के बारे में कहा जाता है धीरज जी कि मंगल पांडे जो है उस समय के क्रांतिकारी जो योद्धा थे उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, लेकिन अगर मंगल पांडे की आपने जो मांग की है तो और भी इससे बड़े और अच्छे अच्छे नाम भी और भी होंगे। मंगल पांडे जी का नाम इसलिए क्योंकि उनका जन्म इसी भूमिखंड पे हुआ था और जब वो शहीद हुए थे इसी भूमिखंड पे थे। तो चूंकि गाजीपुर के पैदाइश थे वो मंगल पांडे जी, हालांकि आज उनका जिला जो है बलिया में हो गया है जो कि बाद में गाजीपुर से प्रशासनिक तौर पे अलग कर दिया गया, लेकिन जब बलिया अलग नहीं हुआ था, चूंकि बलिया भी वाल्मीकि जी के नाम पे पड़ा हुआ है नाम, तो उस समय मंगल पांडे का जन्म भी इसी धरती पे हुआ और जन्म के साथ साथ उनका मरण भी इसी धरती पे हुआ, और एक ऐसी नाम है जिसका आज भी साक्ष्य अभिलेख और नाम ब्रिटिश क्वीन को भी पता है। मैं ब्रिटिश क्वीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपना क्वीन नहीं मानता उनको, मैं उसको इसे ब्रिटिश क्वीन को भी पता है, और सात समंदर पार भी मंगल पांडे का नाम आज भी लिया जाता है क्योंकि वो एक ऐसा वीर था जिसने उस क्रांति को जन्म दिया जिसने कि स्वतंत्रता का बीज अंकुरित कर दिया, और उसी स्वतंत्रता के बीज पर अंकुरित होने के बाद हम आज़ाद हुए, जिससे लहलाता खेल पे आज हमारा पूरा लोकतंत्र लहला रहा है, जिसकी प्राचीर से हमारे 15 अगस्त के भाषण चलते हैं। तो अगर इनके नाम पर भी अगर गाजीपुर का नाम रखा जाता तो न केवल इनके लिए सम्मान है बल्कि हम लोग के लिए सम्मान है कि हमारा नाम उस वीर को दिया गया है हमारे भूमिखंड का, जिसने कि देश पे को अंग्रेजों को भगाने के लिए उसने पहले पटाखे की माचिस की तीली मारी थी। तीसरा नाम जो मैं देना चाहता हूँ जिसका कि किसी जाति धर्म और समाज से नहीं हम कहेंगे, क्योंकि फौजी का कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक रहा हूँ तो मुझे पता है कि जब बॉर्डर पे मुझे पता है कि अगली गोली मुझे कब लग जाएगी, तो उस समय मुझे न भगवान दिख रहे होते हैं, न मुझे अपना परिवार दिख रहा होता है, मुझे बस एक ही चीज़ दिख रही होती, मेरा देश दिख रहा होता है। तो उस समय अगर मैं फिर बात करूंगा कि सीमाओं से हटके जिनको लोग जानते हैं उनका नाम, वैसे गाजीपुर के अंदर भी बहुत लोग हैं जिनको गाजीपुर या बनारस के लोग जानते हैं, लेकिन गाजीपुर की सीमाओं से, तो उसमें वीर अब्दुल हमीद का नाम जाना जाता है, जो कि दुनिया में 1965 और 60 के दशक में जो सबसे बढ़िया आयुध था पैटर्न टैंक, अमेरिका के उस आयुध की तोती बोली जाती थी पूरे दुनिया में, वो पाकिस्तान को मुहैया कराया था
उसमें भारत को नहीं दिया गया था। और उस पैटर्न टैंक में 6 पैटर्न टैंक को ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से वीर अब्दुल हमीद ने मार दिया था। 7वां वैसे कहा जाता है लेकिन आर्मी के रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है। लेकिन 6 पैटर्न टैंक को एक आदमी ऐसे मार के गिरा दिया जैसे हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगल लिया था। तो उस आदमी ने, उस वीर ने जिसने अपना सर कटा दिया भारत की धरा के लिए, और वह गाजीपुर में पैदा हुआ, तो मुझे लिए यह भी सम्मान की बात है कि मैं उनके गाजीपुर में पैदा हुआ हूँ। तो वो आदमी जिसने कि पूरा अपने अकेले दम पे 1965 का युद्ध जीत लिया कहें तो उस आदमी के नाम पे भी अगर गाजीपुर का नाम पड़ता है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि हमें इस देश को उन लोगों के हाथ में सौंपना है जो कि अपने माँ बाप भाई बहन और रिश्ते और धर्म को छोड़ के राष्ट्रीयता के रंग में रंग जाएं और मिट्टी के लिए अपना बदन एक बार में दे दें। उनमें से भी एक ये थे। चौथा नाम मैं बताना चाहूँगा कि जो कि गाजीपुर के लोगों में बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत सम्मान से लोग अपने आप को सम्मानी मानते हैं, चूँकि काशी के सीमा से लगा हुआ गाजीपुर है और गाजीपुर जो है, चूँकि काशी बोलते हैं तो इसलिए लहुरी जो है एक भोजपुरी भाषा में शब्द है छोटे के लिए, जैसे लहुरी बहन को बोलते हैं छोटी बहन या लहुरी बहू को बोलते हैं छोटी बहू घर की, इसी तरह पूरे गाजीपुर में गाजीपुर के लोग स्वयं को लहुरी काशी भी कहते हैं कि हम लोग लहुरी काशी हैं। और यह उत्तर प्रदेश सरकार के साइट पे भी दिया हुआ है, विकिपीडिया पे भी दिया हुआ है, और गाजीपुर में वैसे भी सब लोग अपने आप को लहुरी काशी बोलते हैं। तो अगर इसको हम स्थानीय महत्व के संदर्भ में ले तो लहुरी काशी अगर नाम भी दिया जाता है तो यह एक गाजीपुर से हट के होगा, और जो गाजी मलिक के नाम पे पड़ा, जिसका कोई यहाँ के धरती से जो कि विदेशी आक्रांता रहे हैं या वो अच्छे भी इंसान रहे होंगे, हमें उस विवाद में नहीं पड़ना है, वो अच्छे इंसान रहे होंगे, अच्छे राजा रहे होंगे, लेकिन वो उस धरती से संबंधित नहीं थे, वो मोहम्मद बिन तुगलक के सिपहसालार थे जो विदेश से आए थे और उन्होंने अलोकतांत्रिक ढंग से यहाँ के राजा को हटाया था, इसलिए लहुरी काशी का भी नाम दिया जाता है तो यह यहाँ के लिए एक बहुत लोकप्रिय नाम होगा। तो ये 3-4 नाम मैंने सुझाए हैं, लेकिन सरकार को मैंने निवेदन किया है कि अपना संज्ञान लेके अपने और अच्छे नाम चुन सकती है, और उसके बाद जो गाजीपुर के लोगों का भी राय लेके अपना एक अच्छा नाम गाजीपुर को दे सकती है जो कि वहां से सार गर्भित हो। जैसा मित्रों धीरज जी ने बताया और हम आपको बताते हैं, अभी योगी जी ने हाल ही में इलाहाबाद, देखिए शब्द देखिए आप, इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज जो किया है, प्रयागराज वो नाम है जो आज़ादी से पहले भी था, यानी मुगलों के टाइम से भी पहले था, वो प्रयागराज वो नाम है जिसको बदल करके अब प्रयागराज कहा जा रहा है, इलाहाबाद ख़त्म कर दिया है। इसी तरह से आज धीरज जी ने जो मांग की है जय कि गाजी है, ये भी आक्रांता थे, और जैसे कि मंगल पांडे की बात उठी, मंगल पांडे वो नाम है जिसको अंग्रेजों की नाक चने चबा दिए थे उन्होंने, जय अंग्रेज जो भागे थे जय, यानी कि क्रांति की जो नींव रखी थी वो मंगल पांडे, ऐसा नाम है, मंगल पांडे भी रख दिया जाए तो इस दे, वैसे भी मंगल पांडे के नाम से पूरे हमारे भारत में वर्ष में जाए कहीं भी कोई इस तरह का जनपद नहीं है, अगर मंगल पांडे रखा जाता है तो वास्तव में ये हम सब के लिए और हमारे देशवासियों के लिए जो देशभक्त हैं, राष्ट्रप्रेमी हैं जय, उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। और धीरज जी आप हमें बताइए, अगर इनमें से कोई भी नाम नहीं होता है तो क्या करेंगे? नहीं, मैं जैसे पहले ही बता दिया है कि चूंकि राज्य सरकार हमारी जो वहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है, राज्य सरकार एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसका मतलब उसको जनता का जो मत है उस सरकार में है, और चूंकि यह सरकार बहुमत से आई हुई है तो मैं मानता हूं कि वो जो बोलेगी वो जनता की आवाज़ होती है। तो ये मेरा एक आवेदक, एक याचक के नामे एक विकल्प दिया हुआ है, लेकिन सरकार के पास बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं हैं जिससे वो और अच्छे से अच्छे नाम, जैसे कि नोएडा का नाम गौतम बुद्ध नगर है, तो गौतम बुद्ध नगर का नोएडा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन सरकार ने जब इसका नाम रखा तो गौतम बुद्ध नगर नाम रखना इस जिले के लिए एक स्वाभाव की बात थी, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर एक खुद भगवान विष्णु के अवतार थे, और उसके बाद जो है एक ऐसी शख्सियत जिनको कि पूरा चाइना और कोरिया और जितने भी बौद्धिस्ट राज्य हैं वो सब लोग आके उनको पूजा करते हैं भारत में, अगर उसके नाम पे अगर किसी जिले का नाम रख दिया जाए तो वो जिले के लिए सौभाग्य की बात होती है। इसलिए राज्य सरकार अगर इसमें से कोई नाम नहीं भी रखती है और अपने ढंग से अगर कोई नाम रख देती है तो मैं भी उसको नतमस्तक स्वीकार करूंगा, क्योंकि वो सरकार जो है हमारी ही चुनी हुई है और हमारे को सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो एक अच्छा नाम ही रखेगी गाजीपुर का, लेकिन बदलना ये मेरे लिए मेरा एक निवेदन है और मैं चाहूँगा कि वो नाम बदले। अब हम स्वतंत्र हैं, आप बात इसको समझिए इस तरह से, हम स्वतंत्र हैं, पराधीन नहीं है किसी के भी, तो हमें ये नाम की अब वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है, नाम को बदलना इस
राज्य के मुखिया की बहुत बड़ी जनता की मांग के ऊपर ये कार्य बहुत पहले ऐसा हो जाना चाहिए था, जो आज धीरज जी इस बात की मांग कर रहे हैं। जी आज के लिए इतना ही, मैं राजकुमार अग्रवाल HMTV लाइव के लिए नोएडा से, नमस्कार।